वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके चैनल पर 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो डेफिनेटली सबको बड़ी खुशी होती है कि अब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चैनल पर 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरे हो गए हैं तो आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपका चैनल 24 से 48 घंटे में मोनेटाइज हो जाएगा। हो सकता है कि YouTube टीम के पास अगर वर्कलोड ज़्यादा है, काम अधिक है, तो आपको इससे अधिक समय लग जाए। तो अगर अधिक समय लग रहा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपका कंटेंट सही है तो आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज हो। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने मोबाइल को ले आया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर गूगल खोलते हैं। गूगल के बाद यहाँ से आप यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब खोलने के बाद आप अपने चैनल पर पहुँच जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपके चैनल का लोगो आता है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो पर ओके करेंगे। यहाँ से YouTube स्टूडियो खुल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चैनल पर 1006 सब्सक्राइबर हैं अभी। तो इस तरीके से आप भी अपने चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जहाँ पर अभी कर्सर है, मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1006 सब्सक्राइबर और 4247 घंटे वॉच टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। नीचे ऑप्शन आ जाता है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। इस तरीके से तीन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आप पहले ऑप्शन पर स्टार्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर ओके करेंगे। स्टार्ट पर ओके करने के बाद इस तरीके से अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ जाता है। आप चाहें तो इसे पढ़ें और आप चाहें तो इसको ना पढ़ें। इसको नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट द YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, तो आप दोनों पर इस पर ओके कर दीजिए। दोनों पर ओके करने के बाद नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे तो एक्सेप्ट टर्म्स आ रहा होगा, तो एक्सेप्ट टर्म्स पर ओके करेंगे। एक्सेप्ट टर्म पर ओके करने के बाद यहाँ पर बस ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, यानी कि यहाँ से आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ स्टार्ट पर ओके करेंगे। स्टार्ट पर ओके करने के बाद इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट पर जाएंगे। सेलेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और उसके अलावा आई डोंट नो। अगर आपके पास अकाउंट है तो यस पर क्लिक करें, अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो नीचे नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पर आप ओके करेंगे। और देन यहाँ पर जो कंटिन्यू ऑप्शन आ रहा है इस पर ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आईडी खुल जाएंगी, जिस आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उस आईडी को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास एक ही आईडी है तो ऑटोमेटिकली एक ही आईडी आएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल कर आता है। यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपने जो भी नाम दिया है वो नाम आ जाएगा। उसके अलावा आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके अलावा अगर कोई दूसरा अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ ए डिफरेंट अकाउंट, तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा योर वेबसाइट, आपकी यूट्यूब चैनल का लिंक यहां से ऑटोमेटिकली आ गया है। और उसके नीचे आप आएंगे तो गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यहां पर पहला ऑप्शन यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, इस पर आप ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो सेलेक्ट योर कंट्री और टर्शरी यहां पर आएगा, तो आप यहां से सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है, जो भी आपकी कंट्री है आप वो सेलेक्ट कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसको इस तरीके से स्क्रॉल कीजिए और टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर
आप चाहें तो डायरेक्टली यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यहाँ पर ओके कीजिए और क्रिएट अकाउंट पर ओके कर दीजिए। अगला पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आएगा। जब ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा तो यहाँ पर अकाउंट टाइप देखिए इंडिविजुअल पहले से सेलेक्टेड है, आप इसे ही रखेंगे। बाकी आप अगर देखना चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल एक बिजनेस आता है, आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेम एंड एड्रेस लिखने के लिए आएगा, नाम आपका ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा जिस नाम से अकाउंट बना होगा, अन्यथा आप इसको बदल भी सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एड्रेस की लाइन आएगी। एड्रेस के लिए मैं आपको बता दूँ कि लाइन 1, लाइन 2, उसके बाद सिटी, तो उसके बाद पोस्टल कोड इस तरीके से आएगा, पोस्टल कोड के बाद स्टेट और उसके बाद फ़ोन नंबर। तो जब आप अपना एड्रेस डालें तो एड्रेस प्रॉपर तरीके से दोनों लाइन में भरें, साथ में एड्रेस के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दें, क्योंकि अगर आपके पास बाई पोस्ट कुछ आता है तो वो एड्रेस के साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और आपका फ़ोन नंबर देखकर कोई भी पोस्टमैन या फिर स्पीड पोस्ट वाला उसे मना नहीं करेगा, आपको कॉल करके आपके घर तक पहुंचा देगा। और यहाँ पर फ़ोन नंबर भर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें या फिर छोड़ दें, कोशिश कीजिए इसको भर दीजिए। उसके अलावा सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट बटन आ रहा है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से रीडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर रीडायरेक्ट पर आप ओके कर दीजिए। वापस आप YouTube स्टूडियो पर यहाँ पर आप आ गए हैं और स्टेप अगर 2 पर आप देखेंगे यहाँ पर तो इन प्रोग्रेस यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्रेस में रहेगा और 24 घंटे में लगभग आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, YouTube की तरफ से देख लिया जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेप 3 आप देख रहे हैं उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डन लिखा हुआ आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं गेट रिव्यूड, इसमें अधिक समय लग सकता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस प्रकार की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं।